मैं खुद इलाज कराने गया था मेरे बच्चे का, और मेरे पास वीडियो है वो, मैं आपको वीडियो दे देता हूँ। डॉक्टर नहीं है यहाँ अकेला, में मेरे यहाँ रेंट पे मकान किराए से लिया है और रहता है। इनके यहाँ रेंट पे रहते हैं डॉक्टर साहब। इनसे पूछे कितने दिन हुए उस डॉक्टर साहब को यहाँ आए, इनसे जवाब। यहाँ पे नहीं, काम नहीं करते यहाँ पे, है ड्यूटी करते हैं, केवल ड्यूटी साइन करते चले जाते हैं। मेरी एक बात है, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में गरीबों को जमीन के पट्टे दिए और अरवल नागर ने 4000 बीघा के पट्टे खरीद लिए। से निकल के जाते हैं और मिल के जाते हैं, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। मिले क्या? किसकी पूछ रहे हैं आप? रोडमल जी की। कौन? ये देखो रोडमल नागर। अरे इनसे क्यों मिली? मुझे अकेले रह के किसी भी किसान के, किसी भी ओलावृष्टि या किसी भी सुख दुख में रोडमल नागर का एक फोटो दिखा दीजिए, मैं इनकी बात से सहमत हो जाऊंगा। नहीं दिखते हैं रोडमल नागर जी गाड़ी में यहाँ से भोपाल जाते, पेपर पढ़ने लग जाते हैं गोया में से, तो पुलिया पे पेपर रख देते हैं फिर और कांच बंद कर लेते हैं। गाँव से निकलते हैं तो कांच बंद कर लेते हैं, हमने खुद देखा है। जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम इस वक्त इकलेरा में आए हुए हैं, इकलेरा का मन जानने आए हैं कि वो अब की बार किसकी सरकार लाने वाले हैं। तो चुनावी जोश से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, दोनों पक्ष के लोग हैं, और दोनों पक्षों से जानेंगे कि इस बार रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह में कितनी टक्कर है, राजगढ़ का असली राजा है कौन, ये जानने को इस चुनाव में मिलेगा। तो सबसे पहले पक्ष के पास ही चलते हैं। बाबूजी किसकी सरकार लाने वाले हो आपकी बात? भाजपा की सरकार लाएंगे और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, रोडमल जी को जिताकर संसद भेजेंगे। रोडमल जी को जिताकर संसद? जी हाँ। रोडमल जी के कुछ खास काम? रोडमल जी के काम कुंडालिया देव है और बहुत बड़ी बड़ी योजना है, पानी की योजना, अभी ये रेसई बहन तैयार होने वाला, इस बार उसमें पानी रोका जाएगा, उसका पानी इकलेरा तक आने वाला है, वो योजना भी ये तो तैयार हो चुकी है। बाबूजी बोला जाता है रोडमल नागर जी दिखाई नहीं देते चुनाव के बाद, ऐसा कोई नहीं, लोग बागों की आंखों पे पट्टी बंधी है। अच्छा, केवल रोडमल नागर सही है और बाकी लोग बाग अंधे? नहीं नहीं, वो क्या, हम भी तो देखते हैं, हमसे भी तो मिलते हैं, यहाँ से बाग से वोट मांगने जा रहे हैं, अभी से निकल के जाते हैं और मिल के जाते हैं, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। मिले क्या? किसकी पूछ रहे हैं आप? रोडमल जी की। कौन? ये देखो रोडमल नागर। अरे इनसे क्यों मिली? मुझे अकेले रह के किसी भी किसान के, किसी भी ओलावृष्टि या किसी भी सुख दुख में रोडमल नागर का एक फोटो दिखा दीजिए, मैं इनकी बात से सहमत हो जाऊंगा। नहीं दिखते हैं रोडमल नागर जी गाड़ी में यहाँ से भोपाल जाते, पेपर पढ़ने लग जाते हैं गोया में से, तो पुलिया पे पेपर रख देते हैं फिर और कांच बंद कर लेते हैं, गाँव से निकलते हैं तो कांच बंद कर लेते हैं, हमने खुद देखा है। तो बहुत बड़ी बात है। इन महाशय ने कई बार उनको कागज हाथ में दिए, इनके घर पे आए, पूछो दिए के नहीं, दिए के नहीं बाबू जी, सुनो सुनो, दिए के नहीं बाबू जी, मैंने, अरे सुनो, हमने जो कागज मांग की, क्या हमारा जो है केसीसी पे भूमि बंधक कराने पे और भूमि बंधक कटाने पे 10,000 रुपए लेते हैं और बैंक 7% का लालच दे के अन्य लेती है, इसका न्याय किया जाए, लेकिन आज तक उसने न्याय नहीं किया। हमने कागज दिए, उसने जला दिए, फेंक दिए, क्या अर्थ निकला कागज देने का? सत्ता कागज जला देते हैं आपके नेता, कागज जला देते हैं रोडमल जी। सबसे पहले पक्ष और विपक्ष से बोलूंगा, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी की याद आपको भी आ गई, राम जी की याद हमें पहले से आई थी। इनका कहना है कि राहुल गांधी जी राम मंदिर के अयोध्या के उद्घाटन पे नहीं गए, तो मुझे इनसे जवाब चाहिए कि अकेला राहुल गांधी नहीं गया, शंकराचार्य नहीं गए, उसके लिए इनका क्या जवाब है? क्या शंकराचार्य भी बीजेपी के नहीं है? शंकराचार्य भी नहीं गए? अरे शंकराचार्य गए हैं, सभी को न्योता मिला है, सिर्फ कांग्रेस के लोग न्योता मिलने के बाद नहीं गए। शंकराचार्य क्यों नहीं गए? शंकराचार्य जी भी गए हैं सारे, अब ये कांग्रेस के लोग कहाँ गए? कहाँ गए? वहाँ का वीडियो देखो ना, वहाँ का अयोध्या गए, अरे अयोध्या गए, दर्शन किए, वहाँ से आए, नहीं गए सारे संत रामलला के दर्शन कर रहे हैं, आज भी जा रहे हैं सभी, कांग्रेस तो आज तक नहीं जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल गए, काफी नेता गए कांग्रेस के। मैं आपको अभी फरवरी का एक फोटो दिखाता हूँ, मैं खुद अयोध्या गया हूँ। हाँ। हमें कोई राम से द्वेष नहीं, हम हमारे मंदिरों के उद्घाटन में 1000 रुपए देते हैं। हाँ। हमें राम से कोई द्वेष नहीं है। हाँ। किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप राम को पार्टी का सिंबल नहीं दे सकते। जवाब दोगे भैया? मैं श्रवण पाटीदार, ग्राम पंचायत इकलेरा का सरपंच और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री,
विषय ये है कि राम मंदिर हमारे सबके हैं, राम मंदिर हमारा आराध्य है, राम मंदिर जो निर्माण में हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या विडंबना थी कि कांग्रेस ने अपनी वकीलों की लंबी कतार खड़ी कर राम मंदिर अवरुद्ध हो, उसके लिए निर्माण अवरुद्ध हो, उसके लिए लंबी कतार खड़ी करी, और इनके इनके नेता केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, जो केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने, जो इनके नेता हैं, जो इनके केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने वकीलों की लंबी फौज खड़ी करी कि राम मंदिर अवरुद्ध हो। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, मोहन सिंह जी उन्होंने कहा कि सांसदों पे पहला हक माइनॉरिटी का है। तो हम ये इनसे पूछना चाहते हैं कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके राजनीति अपनी रोटी सेकते हैं कांग्रेस वाले? हम सबका साथ सबका विकास पर बात करते हैं। हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए तो अल्पसंख्यक भाइयों को भी दिए। इकलराम हमारे 800 मकान के लगभग हुए और मुस्लिम भाइयों को 200 से 250 मकान हुए। हमने शौचालय दिए, हमने जितनी सारी योजना है लाडली बहना से लेकर किसी से फर्क नहीं रखा, और कांग्रेस के हमारे भाई सिर्फ बंटवारे की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, सबको लड़ाने की राजनीति करते हैं। इनका कोई पक्ष नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है, और कांग्रेस एक तरफा हारने वाली है, और भाजपा एक तरफा बहुमत से 400 पार हम होने वाले, और विषय हम बताते हैं 400 पार में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? ईवीएम एक कर रखी है क्या पहले से? बताऊं हमें ईवीएम एक कर रखी है, इतना कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस विकास। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा हम ये कहना चाहते हैं विकास विकास की बात पर हम ये कहना चाहते हैं इकलेरा में आज तक देश से आज तक कोई भी सरपंच जनपद जिला पंचायत भाजपा समर्पित अपवाद स्वरूप एकाध बने होंगे। विकास के नाम पर हम देखें इकलेरा जिस धरातल की विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 13 सड़क जो किसानों के हित की है जिससे किसान जाते हैं, सुदूर सड़क जिनको बोलते हैं, आज तक एक भी क्यों नहीं बनी? मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी थे पद पर। अबाड़ा रोड, बन्नावत रोड में आधी सुदूर सड़कों के बारे में इनको बता दूं, बिराल खड़ी रोड का निर्माण भी हमारे कार्यकाल में हुआ है। ये लोगों को भ्रम फैलाते हैं। अगर आप राजगढ़ जिले की इकलेरा पंचायत आके देखेंगे तो आप कहेंगे कि स्वर्णिम विकास इकलेरा में हुआ है। चोरी चोरी गलियां, यहाँ पे ट्रक ट्रैक्टर अंदर ले जाया जा सकता है, यहाँ पे हर जाति समाज। और आपको बता दूं के इन्हीं बीजेपी के लोगों के घर जो डिलीवरी हुई है वो दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए सरकारी अस्पताल में हुई है, और आज इकलेरा का उप स्वास्थ्य केंद्र नरसिंहगढ़ में दूसरे नंबर पर है, इसी के कारण दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह जी ने अस्पताल दिया, आप ठीक ठीक से डॉक्टर नहीं दे पा रहे आप लोग। दिग्विजय सिंह ने अस्पताल बनवाया है, आप लोग डॉक्टर नहीं दे पा रहे। इकलेरा में 2 डॉक्टर है अभी वर्तमान। जवाब सुन लो, इनका कहना है राजा साहब ने अस्पताल बनवाए, आप उनमें डॉक्टर नहीं डाल पाए। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, रामेश्वर विजयवर्गीय, इकलेरा का निवासी हूं, सन 84 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कौन कहता है कि डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर है, और वर्तमान में डॉक्टर है, और मेरे सुनिए बात सुनिए, बिल्कुल सुनो, डॉक्टर है, आवाज जा रही है, और मेरे ही घर में किराए से रहता है। कौन कहता है कि डॉक्टर नहीं? मेरे यहाँ रेंट पे रह रहा है डॉक्टर, कौन कहता है ये? मैं खुद इलाज कराने गया था मेरे बच्चे का, और मेरे पास वीडियो है, वो मैं आपको वीडियो दे देता हूँ। डॉक्टर नहीं है यहाँ इकलेरा में, मेरे यहाँ रेंट पे मकान किराए से लिया है और रहता है। इनके यहाँ रेंट पे रहते हैं डॉक्टर साहब? इनसे ये पूछे कितने दिन हुए उस डॉक्टर साहब को यहाँ आए? इनसे जवाब, यहाँ पे नहीं काम नहीं करते, यहाँ पे है ड्यूटी करते हैं, केवल ड्यूटी साइन करते चले जाते हैं। भैया जो डिबेट हो रही, सुनो निवेदन ये, बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे पर, हाँ डिबेट मेरी बात सुन लो। अरे लड़ो मत, मेरी बात सुनो, लड़ो मत, धीरे धीरे आराम से डिबेट की तरह डिबेट। मुद्दे की बात बोलो। मुद्दे की बात ये है कि मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। इनका सुन लेना, बाबूजी आपसे जवाब लूंगा। मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, और मोदी जी विकास के नाम पे मांगते हैं, तो विकास में जो है भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण, रेल को झंडी बताना, ये करना, इनमें करोड़ों अरबों रुपया देश का जो है बिलावजह बर्बाद कर रहे हैं, ये देश का विकास है? ये भी तो कांग्रेस भी तो करती थी, ये नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी बाबूजी। सुनो, इंदिरा ने
कई डैम बनाए, अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया, लेकिन आज तक किसी को भनक नहीं लगी। तो ये अटल जी की सफलता है कि ना अटल जी? ठीक है, मुद्दे की बात ये है, बताई नहीं जाती है। सुरक्षा व्यवस्था में उन्हें परमाणु परीक्षण अगर किया है तो ये ढोल नहीं पीटा जाता किसी से। ये हारे जो ठीक है, मेरी बात उनकी एक बात है, आप लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर देते हैं, वो पैसा आप विकास में क्यों नहीं लगाते? सीधा सवाल। आज आज भारत का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर है, और भाई और आर्थिक यहाँ जीडीपी यहाँ की पांचवी उस पर आ रहा है भारत, तो यहाँ पे विकास हो रहा है तभी तो है ना। यहाँ की जनता आज कितनी सुखी है, सड़कों पे चल रही, गांव गांव का आदमी। कर्जा कितना है? कर्जा ये भी तो देखो, कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है। मध्य प्रदेश पर कितना कर्जा है? आप कर्जा है, सुनो, कर्जा है, लेकिन कांग्रेस ने जो गड्ढे में, कांग्रेस ने के राज में जो कर्ज करके गए थे, वो कर्ज भाजपा शासन चुका रही है, और विकास में हमें नंबर वन है, हमने राष्ट्रीय मुद्दों पर नंबर वन है, हमने आतंकवाद और अलगाववाद खत्म करा, हमने कश्मीर जब करो तो आतंकवाद खत्म करा आपने। मैं कर्ज के बारे में बताना चाहता हूँ, 2012-13 के समथिंग 50 लाख करोड़ का भारत पे कर्जा था, इन्हें 250 लाख करोड़ कर दिया है। ये विकास है तुम्हारा? अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच बेच के आप देश चला रहे, ये कर्जा है, ये विकास है? अभी ओलावृष्टि का मुआवजा डाला, ओलावृष्टि का मुआवजा डाला, गवर्नमेंट 40 किसानों को मात्र नुकसान पूरे हरकबे में हुआ। मंत्री जी गौतम टेटवाल जी खेत में इतने इतने कीचड़ में चले थे, कहा था ये भाजपा की सरकार है, सबको पैसा मिलेगा, 40 किसानों को 2000 रुपए डाल दिया, 2000 हुआ है उनको नुकसान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे बोलना तो, सुनो सुनो, हमारे मंत्री सरकार किस किस को पैसे दे? सभी तो बेरोजगार है, किस किस को दे सरकार? सभी किसान मिले, मेरे को मिले 1000 रुपए, मेरे को मिले 1000 रुपए, पर्याप्त है, पर्याप्त है, 1000 रुपए पर्याप्त है, 1000 रुपए पर्याप्त है। सुनो सुनो, जिनका नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिला, उनका नहीं हुआ उन्हें नहीं मिला। आजाद हुआ था देश, आजाद हुआ था देश, आजाद हुआ था भारत, सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया, अब कहाँ गया सोने की चिड़िया? चिड़िया को क्या करा 70 साल में, सारा सोना खा गए। भारत सोने की चिड़िया थी, कांग्रेस ने लूट लिया क्या? आपको पता है कि अंग्रेज देश को लूट के लेके गए थे, और रही जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा, आप बोलिए। रही बात सोने की चिड़िया, अरे यार मेरी बात सुन लो, चल रही अपन रही सोने की चिड़िया की बात, तो इनसे पूछे केदारनाथ पर लगा सोना कहाँ गया? सोना लगता है क्या केदारनाथ पे? हम ये दूसरी बार इकलेरा में डिबेट शुरू कर रहे हैं, आप माहौल देख ही सकते हैं। दिग्विजय सिंह की एंट्री जब से राजगढ़ में हुई तब से चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो गया है। तीसरी बार सांसद रोडमल नागर को टिकट मिला है, अब आप आपकी बात पे खत्म किया था, आप इसे शुरू करते हैं। स्थानीय मुद्दे जिनके दम पर आप वोट मांगे, रोडमल नागर के चेहरे पर क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? हमारे जो प्रत्याशी के रूप में परम सम्मानी भाई साहब रोडमल जी नागर है, जो सत्ता से संगठन का जिनको भरपूर अनुभव है, उन्होंने विकास के सारे मुद्दों पर काम किया। हमारा जो राजगढ़ जिसको रेगिस्तान किया जाता था, हर खेत को पानी देने के लिए उन्होंने काम किया, रेलवे लाइन के लिए उन्होंने काम किया, अभी कुंडालिया डैम जितने भी डैम है बड़े, जिससे हजारों किसानों और ऑन रिकॉर्ड आप देखोगे ना तो केवल नेम प्लेट चिपकाई है भाजपा ने, सारे के सारे सेंशन हुए थे कांग्रेस के राज में, ऑन रिकॉर्ड बात है ये, इसमें कोई झूठ नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ शिलान्यास करा था और भूमि पूजन किया था, ये तो मानते हैं ना, सुनो, और उन्होंने कोई उनकी कोई निधि कोई स्वीकृत नहीं होती, धरातल पे जो काम करा वो शुद्ध रूप से भाजपा ने करा। भाजपा का दूसरा नाम ही विकास है। हमने सभी जाति संप्रदाय समाज को साथ लेकर काम किया। राष्ट्रीय मुद्दे पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो देश के जो फौजी है जिनका कांग्रेस शासन में उनका शीश काट कर गेंद खेले जाती थी, 40 आप ही के राज में आए थे ना महाराज, कांग्रेस का राज तो नहीं था, तब क्या हुआ?
हमारे पर जवाब है 300 किलो RDX आया कहाँ से था? जवाब है हमारे देश में पहले हम बसों में जाते थे 10 साल पहले 15 साल पहले तो बसों पे लिखा जाता था कि कोई बैग ना छुए विस्फोटक सामग्री हो सकती है। आज भारत में हम ये दम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारे देश के शीर्ष नेता तो नरेंद्र मोदी जी के कारण आतंकवाद और अलगाववाद जैसी घटनाएं नहीं हुई और हमने सीमा पर मुंह तोड़ जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक कर हमने सीमा के अंदर जाकर पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उनके सीनों में गोली दागने का काम हमारी भाजपा सरकार ने करा। जवाब है 2 मिनट और पहले कांग्रेस सरकार अमेरिका तरफ मुंह देखती थी कि अमेरिका कुछ बोले तो हम कुछ कार्रवाई करें। आज पूरा देश पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा है कि हम कैसे कोई भी मामला होता है यूक्रेन और यूरेन का कोई मसला होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है कि आप इसका फैसला करें। हमने जो पहले आतंकवाद घटनाएं होती थी देश में पहले मंदिरों में बम विस्फोट हो जाते थे होटल ताज में कब दिन दाड़े बम विस्फोट हो जाते थे लोगों को अगवा किया जाता था आतंकवाद पूरे चरम पर था और कांग्रेस ने शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान करके देश का विभाजन करा है। जवाब है आपके पास अगर ये कह रहे हैं कि देश इतना सुरक्षित हो गया तो इनसे जवाब मांगिए कि जम्मू कश्मीर में लोकल चुनाव क्यों नहीं हो रहे आज भी वहाँ इंटरनेट सुविधाएं बंद क्यों की जाती है? होएगा समय अवधि पे नहीं हो रहा है बात ये बोलोगे जवाब आप देना मैं आऊंगा। रही बात सेना की सुरक्षा की तो अभी आपको पता है केवल 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है मतलब आदमी 4 साल में अपना घर चला लेगा। साथ में इनसे पूछता हूँ कि 300 किलो RDX आज तक नहीं पड़ा 400 पार की बातें करते हैं मुझे बताइए 300 किलो RDX कहाँ से आया था। मैं इनसे कहना चाहता हूँ जब अपन बॉर्डर की बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं हमारे फौजियों के सर काट के ले जाते थे 40 शव है ना यहाँ तो वो नहीं दिखाई देते आपको वो नहीं थे वो इनके थे, वो कांग्रेस के थे इनका ये कहना है पहले इनके द्वारा जो आतंकवाद पनपाया गया था जो बॉर्डर पर और अंदर जो घुसपैठियों द्वारा पहले भोपाल में जब सीमित आतंकी पकड़ाए गए तो 2 किलोमीटर भी गए उन्हें शूट किया गया वो भी भाजपा शासन में सीमित आतंक अफजल गुरु इनके दिग्गी राजा सुनो दिग्गी राजा अफजल को अफजल गुरु कहते थे इनके दिग्गी राजा जो आतंकवादी थे उनका सम्मान करते थे उनको शांति दूत कहते थे इनके कारण आज राजगढ़ की राजा आतंकवादियों का सम्मान ये नहीं बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए इंदिरा गांधी ने 1971 में ये तो सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गया खाली पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश किसने बनाया इंदिरा गांधी ने बनाया बांग्लादेश। वर्तमान राजगढ़ में चुनाव लड़ रहे सांसद रोडमल लागर के अंदर एक भी सांसद निधि का काम बता दें माननीय सरपंच साहब और मैं बता दूंगा राज्यसभा सांसद निधि सर दिग्विजय सिंह ने कितना पैसे दिए बताओ सांसद निधि से काम बता दीजिए। अभी हमारे सम्मानी विधायक जी ने सांसद जी की बात हो रही है विधायक जी की कोई बात नहीं हो रही है मैं ग्राम पंचायत इकलेरा का सरपंच हूँ सम्मानी रोडमल जी नागर द्वारा 35 लाख रुपए ग्राम पंचायत में स्वीकृत किए गए हैं और अभी चुनाव सुनो सीसी रोड के पुलिया के अभी चुनाव के बाद ये काम निर्माण कार्य चालू 35 लाख रुपए दे दिए भैया झूठ है। अरे इनके सांसद निधि के 14 लाख रुपए का चेक डैम सांसद जी की निधि से मिला है बन चुका है कम्प्लीट 2 साल पहले और सांसद जी की निधि से हुआ है 14 लाख का चेक डैम 14 लाख रुपए का चेक डैम बना है सांसद जी की निधि राजगढ़ जिले में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी रोडमल नागर और एक सच्चे जनसेवक दिग्विजय सिंह जी के बीच में मुकाबला है जिन्होंने 10 साल पूरे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करी जिन्होंने ईमानदारी से हर गरीब मजदूर वर्ग का सेवा किया और इकलेरा जैसे छोटे से गांव में इतना बड़ा अस्पताल बनवाया और इकलेरा जैसे जगह में एक मंडी कृषि उप मंडी की सौगात दी और आज भी पूरे क्षेत्र के लोग राजा साहब को जानते हैं। आप लोकार्पण करके देश के आना अस्पताल इकलेरा में बनाए ये नहीं जीतने देंगे ये एकलेरा का माहौल है ये माहौल ये काम है दिन भर भी काम तो काम है तो राजगढ़ वासियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कुछ कहना चाहते हैं मेरी एक बात है मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में गरीबों को जमीन के पट्टे दिए और रोडमल नागर ने 7000
मोदी का के बट्टे खरीद लिए, ये विकास। ठीक है, ये लोकल मुद्दे होते रहेंगे, वीडियो